Hello everyone, I am Dr. Naman Shastri, Consultant Cardiac Anesthesiologist, Epic Hospital, Ahmedabad. मैं आज आपको हार्ट सर्जरीज, पर्टिकुलरली वाल डिसीज़ के बारे में कुछ बताने जाने वाला हूँ. वाल डिसीज़ हमारे देश में बाकी के पश्चात देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कुछ ज़्यादा नंबर में पेशेंट होते हैं. ये पेशेंट्स अगर टाइम पे सर्जन्स के पास चले जाते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट में काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है और वाल को रिपेयर हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाल को चेंज ही किया जा सकता है, पर कहीं वाल को रिपेयर भी किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी जो इकोकार्डियोग्राफी में है, जो 3D इकोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, 3 dimensions और 4 dimensions इकोकार्डियोग्राफी, उसकी मदद से हम हर एक पेशेंट्स के हार्ट के वाल की कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करते हैं और उस हिसाब से हम डिस्कस करके वो वाल को चेंज करे बगैर सिर्फ रिपेयर से कर सकते हैं. तो 3D इकोकार्डियोग्राफी और 4D इकोकार्डियोग्राफी से ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद उसका इवैल्यूएशन करके पेशेंट को रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है, ताकि काफ़ी कुछ एडवांटेजेस है. और हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसे कह सकते हैं कि पूरे देश के कंपैरिजन में हमारे हॉस्पिटल में वाल रिपेयर करने की मात्रा काफ़ी कुछ ज़्यादा है और सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है. तो इसीलिए 3D इकोकार्डियोग्राफी जो वाल को ऐसे जैसे हार्ट में दिखता है, वैसे ही वाल इकोकार्डियोग्राफी में दिखता है. और हम डिस्कस कर सकते हैं सर्जन के साथ कि वाल रिपेयर, हम किस तरह का वाल है और कैसे इसको रिपेयर किया जा सकता है. तो 3D इकोकार्डियोग्राफी की टेक्नोलॉजी एपिक हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है.